नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में, जहाँ से हम आपको लगातार देश प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी खबरों से अवगत करवाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आजकल युवा वोटर्सों की मानी जाती है, जिसको लेकर शिवराज सरकार नित नए बड़े बड़े ऐलान जो है वो युवाओं के लिए कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिवराज सरकार ने मलखम के लिए खेल अकेडमी बनवाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब प्रदेश के खेल मंत्री और युवा कल्याण मंत्री सिंधिया ने एक नई घोषणा की है, जिसके तहत स्कूल पाठ्यक्रम में एक भाग हॉकी को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा और अनिवार्य रूप से हॉकी को जोड़ा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले भी टीकमगढ़ में मंत्री सिंधिया ने एक घोषणा की थी कि एनटीपीआई कॉलेज को आईटी यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, साथ ही आईटीआई में नए कोर्स के साथ साथ इंडस्ट्रीज की मांग के अनुरूप कोर्स चलाए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। आपको साथ ही यह भी बता दें कि इन सभी जो घोषणाएँ हैं शिवराज सरकार के द्वारा की जा रही हैं, उन सभी को अब उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि टीटी नगर स्टेडियम में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मंत्री सिंधिया ने यह ऐलान किया है कि स्कूल पाठ्यक्रम के बीच अब एक भाग में हॉकी को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इससे न केवल हम हॉकी को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्कूल परिसरों के जो बेकार मैदान हैं उसकी भी अधोसंरचना विकास कर खेलो इंडिया के तहत उनको बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो ये जो सारे फैसले हैं सिर्फ शिवराज सरकार जो ले रही है, उनको अब उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और यह मानना है सभी का कि युवाओं को साधने के लिए शिवराज सरकार नित नए बड़े बड़े ऐलान कर रही है। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।